मै भगवान श्री अनंत विष्णु जय महाभारत पार्टी का संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष। जय महाभारत पार्टी पूरा त्रिपुरा राज्य में 60 असेंबली सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहा है। आज हमारा फर्स्ट लिस्ट में 10 प्रत्याशियों का नाम घोषण करने जा रहा है और सेकंड लिस्ट में थर्ड लिस्ट में पूरा 60 प्रत्याशी लोगों का लिस्ट मीडिया के सामने हम पेश करेंगे। जय महाभारत पार्टी पूरा त्रिपुरा राज्य में 60 सीट लड़के सरकार बना के त्रिपुरा राज्य के लिए अच्छा करने के लिए हमारा विचार है। त्रिपुरा राज्य में पूरा दारू और हर तरीके का निशा देने वाला ड्रग्स को कंप्लीट बंद करने के लिए हमारा वादा है, हमारा एजेंडा है। और पूरा त्रिपुरा राज्य में जितना भी महिला है गरीबी, वो लोगों को घर बनाने के लिए आधा घंटा ओपन जमीन फ्लैट देने के लिए हमारे एजेंडा में है। और पूरा त्रिपुरा राज्य में अनेक नया नया स्कूल्स एवं कॉलेजेस बना के जो प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम की भी सरकार के द्वारा टेक ओवर करके 100% निःशुल्क यानी फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देने के हमारा एजेंडा है। आपका बाल बच्चा सिर्फ कॉलेज स्कूल में आने से ठीक है और वो लोगों के लिए स्कूल ड्रेस, पेन, पेंसिल, सिलेबस, किताब, नोटबुक्स सब कुछ ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होगा। हम ये कहना चाहता है एकदम पूरा मुफ्त एजुकेशन मिलना चाहिए, ये त्रिपुरा राज्य में हमारे एजेंडा में है, हम जरूर करेंगे। इसी रास्ते में पूरा अनेक नया नया हॉस्पिटल्स हर मोहल्ला में यानी 60 एमएलए कॉन्स्टेंस में सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल्स बना के प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल्स को प्राइवेट मेडिकल सिस्टम को टेक ओवर करके ट्रीटमेंट और दवा का सप्लाई मुफ्त करने के लिए हमारा एजेंडा है। तो ये पूरा प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेज से लोगों को लुटाई ज्यादा हो रहा है, इसलिए उसको रोकने के लिए एजुकेशन, मेडिकेशन, ट्रीटमेंट, मेडिकल सप्लाई ये पूरा 100% मुफ्त होगा, ये हमारा वादा है, हम जरूर ये करेंगे। और उसके साथ साथ त्रिपुरा में बेरोजगारी की खत्म करके हर नागरिक को जरूरी के हिसाब से रोजगार का व्यवस्था करने के लिए हमारा प्रयास है। और युवा महिला लोगों के लिए उनका उनका क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हर तरीके का वो लोगों को हम मदद करेंगे। और त्रिपुरा राज्य में मैंने ऑब्जर्व किया था यहाँ पे सड़क थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो गांव गांव तक बेहतर सड़क बना के हम त्रिपुरा को अच्छा रोड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए हम तय है। और पीने की भी मैं कई लोगों से सुना गांव में थोड़ा पानी का प्रॉब्लम है, इसलिए पूरा त्रिपुरा में फीजिबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी देख के रिजर्वाइज और छोटा बड़ा नदियों को लिंकअप करते हुए खेतबाड़ी किसान लोगों का पानी देना है और स्वच्छ पीने का हर गांव गांव में पानी देने के लिए हमारा प्रयास करेंगे। शहर के आउटस्कर्ट में बड़ा बड़ा गोबर गैस का प्लांट बना के पाइपलाइन के द्वारा भी घर घर में गोबर गैस देने का हमारा इरादा है, ये हम जरूर लागू करेंगे। ये करने से क्या होगा तो हर परिवार में रसोई घर का तो 1100-1200 रुपए का बोझ खत्म हो जाएगा, 100 रुपए में मात्र स्वच्छ सेफ्टी गोबर गैस घर पहुंचेगा, ये हमारा वादा है, हम जरूर लागू करेंगे। जो हम जय महाभारत पार्टी का जो हमारा कोर कमेटी है, कोर कमेटी आप लोगों के द्वारा हमारा 10 प्रत्याशी का नाम पेश करेगा। यह हमारा कोर कमेटी का जो पवित्रा जी है और शुभांकर जी है और विप्लव जी है और हमारा प्रत्याशी लोगों का 10 प्रत्याशी लोगों का आज हम पेश कर रहा है, उनका नाम ये है, आप कहिए। त्रिपुरा के कोर कमेटी मेंबर होचे पवित्र सरकार, विप्लव धर, मानिक बर्मन, शुभंकर धर, सफिकुल इस्लाम। और हमारे त्रिपुरा के एमएलए जे कैंडिडेट तर मध्य हल सोनामुरा सोनामुरा जगबंधु भूमि नलचर 21 मानिक बर्मन, प्रतापगढ़ 13 प्रतापगढ़ नारायण दास,
চরিলাম ১৯ উত্তম দেব বর্মা করব ৪৩ ধনঞ্জয় রিয়াং ১৭ গোলাঘাটি বাবুল বর্মন সরিয়া বাবুল দেব বর্মা ১২ টাকা চলা স্বপন দেব বর্মা ১০ মজলিশপুর নিরঞ্জন বনি ৯ বনওয়ালিপুর দেবজ্যোতি ঘোষ আমরা দশ किया यहाँ पे इतना पहाड़ों में या विंड पावर का प्लांट्स बहुत नजर में नहीं आ रहा मुझे, इसलिए हम साथ साथ विंड पावर भी जनरेट करके और कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट का सुविधा देने का मौका मिलेगा। और वो विंड पावर से यहाँ पे जो बिजली का जो सप्लाई कम निकल रहा है, थोड़ा सस्ते दाम में बिजली देने के लिए हम प्रयास करेंगे पर यूनिट पे। और इसका साथ साथ ये पूरा त्रिपुरा राज्य में 60 एमएलए लोगों को उसी परिक्षेत्र में गवर्नमेंट ऑफिस कम रेजिडेंस बनाएंगे, यानी एमएलए लोगों आते रहता जाते रहता, जैसा पुलिस स्टेशन रहता, जैसे डीएम का एसडीएम का ऑफिस रहता, ऐसा ही 60 एमएलए कॉन्सेंस में गवर्नमेंट परमानेंट एमएलए ऑफिस कम रेजिडेंस बना के एमएलए लोगों को वहां बिठाएंगे। जब असेंबली का सेशन चलता तभी आके अगरतला में बैठ सकते, बाकी जगह आप लोगों वहां बैठ कर काम करना होगा। लोकल लोगों का समस्या को तुरंत सॉल्व करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम लागू करेंगे और मुख्यमंत्री के जगह पे मिनिस्टर के जगह पे भी उनका कॉन्फ्रेंस में उनका रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा। तो इसमें क्या होता, काम जल्दी लोगों को सॉल्व हो सकता है इसके द्वारा। और त्रिपुरा में मैंने ऑब्जर्व किया था और त्रिपुरा स्टेट ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन का कई गाड़ी दिख रहा नहीं, मैं हर राज्य में जाता भारत में तो वो स्टेट का ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन रहता जर्नी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कई बसेस मिलता, यहाँ तो कोई ऐसा दिख रहा नहीं। इवन तो सिटी में भी सिटी बसेस नहीं मिल रहा, तो देहात का बात भगवान जाने। इसलिए ये पूरा प्राइवेट धंधा एंकरेज करने के लिए जानबूझ के ये त्रिपुरा रोड ट्रांसपोर्टेशन को दबाया होगा, मेरे को लगता है ऐसा। हमारा सरकार आने से हर डिस्ट्रिक्ट में, हर असेंबली कॉन्फ्रेंस में, हर गांव में जो गवर्नमेंट का बस शेल्टर्स, बस डिपोस, बस टर्मिनल्स बनेगा, उसको जरूरत के हिसाब से यहाँ पे लगभग 1200 के ऊपर गाड़ी का जरूरत पड़ता है, यहाँ बसेस का जरूरत पड़ता है, मैंने पूरा एस्टिमेशन लगाया। इसलिए यहाँ पे सरकार के पास अभी 200 गाड़ी है मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, उसमें भी ज्यादा ज्यादा 20-25 काम कर रहा है बल्कि कुछ लोगों बता रहा है। 1200 गाड़ी का नया गाड़ी का यहाँ लागू करके पूरा त्रिपुरा राज्य को बेहतर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देंगे, वो भी सेफ्टी से, सुरक्षा से और सस्ते दाम में। तो ज्यादा से ज्यादा हम ये प्रयास करेंगे यहाँ पे या सोलर या इलेक्ट्रिक से चलने वाला बसेस को यहाँ शुरू करके और पर्यावरण की भी हम समतुल्य से रक्षा करने के लिए हम प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ा एक विषय का बात मैं कहना चाहता हूं, पूरा त्रिपुरा राज्य में जय महाभारत पार्टी सरकार बनने तुरंत एलपीजी पेट्रोलियम गैस, यानी एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस को बंद करते हुए मात्र हम गोबर गैस को शुरू करेंगे। एलपीजी गैस 1200 रुपए सिलेंडर यहां बिक रहा है, तो गोबर गैस से 100 रुपए में आपको सिलेंडर मिलेगा उसका बराबर। और गोबर गैस से क्या होता, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, वो ब्लास्टिंग भी नहीं रहेगा। और गोबर गैस से क्या होता, भैंस को, गाय को, भैल को और ज्यादा पालना पड़ता, उससे गोबर मिलता और उसके साथ साथ दूध भी मिलता है। और किसान लोगों को जो गोबर प्लांट लगाने वालों को भी पैसा भी मिलता है, इनकम भी आता है, मतलब सभी लोगों जीने के लिए एक काम मिलेगा। लेकिन ये एलपीजी गैस पे क्या हो रहा है, बड़ा बड़ा कंपनी लोगों धरती माता को छीन के ले लेगा, नहीं तो ओएनजीसी के द्वारा प्राइवेट लोगों खरीद करके टेका बना रहा है। इसमें 2-3 लोगों का पेट भरने के लिए धरती की भी छेदना पड़ रहा है, इतना लोगों की भी लूटना पड़ रहा है। इसको रोकने के लिए हम गोबर गैस। কোন ব্র্যান্ডের চশমা কিনবেন তাই ভাবছেন?
চলে আসুন নন্দা অপটিক্স এ। ক্রিজাল, ভ্যারিল্যাক্স, রেব্যান, পলিস, ইমেজ, আইজারা, সিলহট, ফাস্ট ট্র্যাক, এসএলআর, বশ এন্ড লং, আইডি, এর মতো অসংখ্য নামি ব্র্যান্ড নিয়ে উপস্থিত নন্দা অপটিক্স। তাছাড়াও রয়েছে পাওয়ার গ্লাসেস এবং ইউনিক ডিজাইন এর প্রচুর ফ্রেমস। চোখ অমূল্য, ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইহার যত্নে নন্দা অপটিক্স সর্বদা সচেষ্ট। নন্দা অ্যান্ড নিউ নন্দা অপটিক্স, জয়নগর বাস স্ট্যান্ড, পটতলা এবং